नहीं है आपका? नहीं है, जीरो है तभी। एकदम जीरो है। या। दोस्तों देखो ये फिल्म के बारे में तो मेरे ख्याल है ना भाई साहब, फिल्म के बारे में तो इसके जो राइटर हैं जो डायरेक्टर हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। मैं आपको सही बताऊं क्योंकि कल ही मेरी इनसे मुलाकात हुई गुड्डू बाबा से। ये यहाँ पर है। अच्छा कौन सा वाला है? सब माइक होंगे यार आप लोगों ने पता। बाय बाय गॉड। अच्छा चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं कल ही मुझे मेरी बात हुई है, कल ही मैंने ये फिल्म साइन की है जीरो फिगर। और मैं हकीकत बताऊं जब मुझे इसका टाइटल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है और जो भी मेरी बात हुई है जो मुझे अब मेरा करेक्टर बताया गया है या जो फिल्म के बारे में बताया गया है तो इंटरेस्टिंग तो लगा है। वैसे शूटिंग ये लोग आगरा में करने वाले हैं और मैं ये मानता हूँ कि फिल्म का सबसे बड़ा जो स्टार होता है वो होती है स्क्रिप्ट, फिल्म की कहानी, और वही होनी चाहिए। अगर आपकी कहानी में दम है, आपकी कहानी ये लेके चल रहा है कि चलो, क्योंकि आजकल क्या है कि कहानी चलती है, स्क्रिप्ट क्या है, कंटेंट क्या है, उसके बाद फिर आपके आर्टिस्ट परफॉर्मेंस जो है या उसका डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली आप कितना अच्छा उसको कर सकते हैं उतना ही फ़ायदा फिल्म को होता है। तो मैं पूरी फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरी एक 10 या 15 मिनट की मीटिंग हुई थी, मैंने अपने करेक्टर के बारे में जाना है और उसके बाद फिर जो भी बातें हुई थी। और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो पूरी टीम है राजबहादुर सिंह या अपने गुड्डू बाबा जो यहाँ पर हैं, यू नो ये लोग जो है यंग जनरेशन है और वाकई आज की जो पीढ़ी है, आज की जो यंग जनरेशन है यही फिल्में बना रहे हैं और अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यही लोग आएंगे क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कब तक करेंगे, एक टाइम होता है। चाहे आर्टिस्ट जिस तरह से होता है, कलाकार आज हैं जो कल नहीं होंगे, कल होंगे जो परसों होंगे, तो इसी तरह नई जनरेशन आती है तो वो कितना संघर्ष करके आई है वो, और कितने सिंसियर हैं वो और कितने ईमानदार हैं अपने काम को लेकर के, वो डिपेंड करता है जब वो फिल्म बनाते हैं। तो हमारा ये काम है एज एन आर्टिस्ट, आज मैं 35-40 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और कुछ 250-300 फिल्में मैंने कर चुका हूँ और आप लोगों ने देखा ही होगा। तो हर तरह के मैंने प्रोड्यूसर्स के साथ और डायरेक्टर के साथ काम किया है तो पता चल जाता है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह से की फिल्में बनाना चाहते हैं। तो मैं इनसे इतना ही कहूँगा, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, राइटर से और पूरी टीम से, कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ आप ये फिल्म बनाएं और उसमें आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ हो। नीयत आपकी ये हो कि एक अच्छी फिल्म हमको बनाना है और अच्छी फिल्म बनाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए और फिल्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है, जो उसका जो शूटिंग लोकेशन जो चाहिए वो होना चाहिए, जो आर्टिस्ट जो आप अवेलेबल कर सकते हैं, जो आपके बजट में आते हैं वो लें और अच्छे से अच्छा काम करें और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें और पूरा फोकस जो है वो फिल्म में लगाएं। और मीडिया जैसे आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से भी नए लोग आके नई जनरेशन फिल्में बना रही हैं, इनको स्प्रेड करना, इनको इनका सपोर्ट करना, इनको सहयोग करना, ये क्योंकि आजकल तो है मीडिया का ज़माना है, प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। जब तक पब्लिसिटी नहीं होती तो पता ही नहीं चलता कि फिल्म बनी कैसी। तो ये फिल्म पूरी बनाएं और प्रॉपर उसकी पब्लिसिटी करें, हम आपके साथ हैं प्रमोशन के लिए और पब्लिसिटी के लिए, जितना हमसे हो सकता है जो हम कर सकते हैं, हम एज एन एक्टर मैं करूँगा। और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं फिल्म को, फिल्म की पूरी टीम को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को और पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं कि ये फिल्म जल्दी बने, अच्छी बने और लोग इसे देखें, पसंद करें और ये हिट हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मुश्ताक जी, आप सेहत को लेकर बहुत अवेयर रहते हैं, क्या यही कुछ कारण है जीरो फिगर? अभी क्या है कि अगर जीरो फिगर रखने के लिए, जीरो फिगर अगर करीब में हो तो ये देखिए दोनों तरफ मेरे जो है ना ये जीरो फिगर है और ये देखो ये कैसा लग रहा है, मैं भी हो गया ना जीरो। ये मेरे बाबूजी हैं। ये बच्ची है, इसने एक फिल्म में काम किया था, मेरी बेटी का रोल किया था बेटी का, आप समझ रहे हैं ना? तो मैं बार बार बस यही आखिर में ये कहना चाहूंगा कि बस ऑल द बेस्ट टू होल टीम, टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क एंड विद सिंसियरिटी एंड ऑल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कप्तान चौधरी है और मैं इस फिल्म में लीड कर रहा हूँ एज ए एक्टर। तो अभी क्या है, स्क्रिप्ट के मतलब अच्छा है, मेरी पहली मूवी है और करने में काफ़ी मज़ा है क्योंकि, और थैंक यू कहना चाहूँगा गुड्डू भाई का, इन्होंने मेरे को कास्ट किया और प्रोड्यूसर साहब का, तो इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, इधर आरबी भाई का, तो इन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया सब लोगों ने, और सर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मतलब सारे सीनियर हैं, हम तो अभी बच्चे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा काम करना है और
आगे बढ़ना है, बस यही है। सुजान भी था ना, लिखी मैंने सर, लेकिन मेरा जीरो फिगर नहीं, इनका जीरो फिगर ही कहानी है। ये कहानी इन्होंने लिखी, इनके लिए लिखी, इनके लिए। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसा कि आपको लग रहा है जीरो फिगर टाइटल पे मत जाइए, जीरो फिगर का मतलब क्या होता है वो आप समझ में आएगा इस फिल्म के माध्यम से। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको मतलब लगेगा जीरो फिगर एक्चुअली होता क्या है। आपने सिर्फ लड़की का जीरो फिगर देखा, जीरो फिगर नहीं है, इंसान भी जीरो फिगर होता है। तो जीरो फिगर क्या है कि कहीं भी ख़त्म हो जाती है जीरो। तो उस तरह की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो भी मैंने किरदार घड़े हैं वो बहुत ही पावरफुल घड़े हैं, और मुझे तो आशा है कि आप लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी फिल्म के लिए, बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए। तो फिल्म बहुत अच्छी साबित होगी, और मुश्ताक साहब जुड़े हैं तो मुझे जान आने लगी और भी कैरेक्टर के लिए। तो मैं तो उतनी मुझे मालूम नहीं था मुश्ताक जुड़े हैं। तो नहीं नहीं, मैं तो उतनी जान लगा हूं। नहीं, अभी जस्ट अभी मुलाकात हुई है, मुझे नहीं मालूम था मुश्ताक जुड़े हैं। तो इन्हें कैरेक्टर मेरे दिमाग में था कि वो कैरेक्टर करेंगे, लेकिन फाइनली अभी मैंने देखा तो मुझे और भी खुशी हुई। नहीं नहीं, मैं इनसे ये पूछ रहा था कि मैं उतनी जान लगाऊं जितनी मुझे खुराक मिले। उसी मैं आपसे राइटर साहब एक बात पूछना चाहूंगा, आपकी फिल्म का जोनर क्या है? जोनर एक लड़की है कि नहीं, लड़की जोनर नहीं होता, मतलब एंटरटेनमेंट है सारा जोनर, यानी कि इसमें लव स्टोरी मिलेगी। ट्रेजेडी है, हॉरर है, रोमांटिक है, क्या है? एक रोमांटिक, एक मैसेज पर फिल्म है आपको इसमें, रोमांटिक फिल्म है। हां, रोमांटिक फिल्म है, फैमिली ड्रामा, जो फैमिली कि जो गतिविधियाँ होती हैं, जो हमारे आसपास भी देखने को मिलते हैं ऐसे लोग जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं, तो उन्हीं का एक सत्यापन जिसको बोलते हैं कि वो चीज़ फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। गाने कितने हो गए इस फिल्म? गाने इसमें 2-3 लव सॉन्ग हैं, जैसा सबकी डिमांड होती है। वेल, नई जनरेशन जाएगी तो लव सॉन्ग तो जरूर देखेगी, और आइटम सॉन्ग है जैसे कि आइटम है कि दो दो रखने पड़ते हैं सर आपके लिए। आइटम सॉन्ग दो हैं, दो आइटम सॉन्ग के सोच रहे हैं कि अगर सपना चौधरी जी एग्री होती हैं तो उनको ही रखा जाएगा इसमें, इनके लिए भी है वादे। अरे सपना चौधरी अगर एग्री होगी कि पांचों आइटम रखो तो नहीं नहीं सर, स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो मुझे सिर्फ दो ही आइटम सॉन्ग चाहिए। मैं स्क्रिप्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है। जो एक्चुअल सिचुएशन है उसी पे सॉन्ग मिलेगा, जो एक्चुअल सीन है उसी पे सीन मिलेगा। फालतू सीन रखना मतलब कि आप आज ऑडिशन जो है इतनी इंटेलिजेंट है कि आपको बता देगी कि आप क्या दिखा रहे हो और क्या जताना चाह रहे हो। तो हमें ऑडिशन को ध्यान में रखते ही लिखना पड़ता है, शूट करना पड़ता है और आप लोगों के बीच में लाना पड़ता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किरदार की बात करेंगे, बस यही कहेंगे भैया कि जीरो फिल्म जो बन रही है बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, और इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं सब अच्छे कलाकार जुड़े हैं, मुश्ताक भाई, एहसान, और जो हमारे गुड्डू बाबा हैं ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और भाई साहब आए, सुजान भाई, ये लोग आए हमारे पास सब्जेक्ट लेकर, और मुझे बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल करेंगे। पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ मैं इसमें, जो भैया इसमें पुलिस ऑफिसर का रोल है मेरा, जो पॉजिटिव है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो पुलिस ऑफिसर, जो आप लोग उम्मीद रखते हैं कि पुलिस वाला ऐसा काम करना चाहिए, उस तरह का रोल है, और उस तरह का मैं निभा रहा हूँ उस रोल को।